जारा मलिक खान। अब तो जारा को पकड़ के ही बैठ गई हो। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको सब सच बता दिया, फिर क्यों? प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो अब किसी दे दो एक एक ही। हाँ चलो। One kiss, please. Don't kiss. One kiss only. Only one. Only one kiss. It's a sorry kiss, Delmas. Okay. One kiss. से क्या होता है? मम्मी पी से किसी बर्ड का नाम बताओ ना। पी फॉर पिज्जा। हाँ वेल डन भाभी। थैंक यू। और गुड़िया सुबह सुबह पढ़ाई हो रही है? हाँ बुआ, वो आज क्लास टेस्ट है ना, इसलिए। तब इंदु के भी टेस्ट शुरू हो जाएंगे। पी फॉर पैरेट, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर इंदु। आज टेस्ट है ना तेरा। ना मम्मा, सुबह सुबह उठा दिया। आज साइंस का टेस्ट है ना। ये क्या है? ये तेरी बुक है ना, ये स्कूल यूनिफॉर्म है, ऐसे घुचमुच करके शर्ट रखा हुआ है, ये क्या बटन भी टूटा हुआ है, ये कितने महीने से नहीं धुली हुई है, जूते भी साफ नहीं है। जो बच्चे अपनी चीजें ठीक से नहीं रखते ना, वो कभी भी अपनी जिंदगी सवार नहीं पाएंगे, समझी? सोना मत, तब तक तेरे शर्ट में बटन डाल देती हूँ और जूते भी पॉलिश कर देती हूँ, ठीक है? गुड गर्ल। बिना चीखे चिल्लाए ना इस घर में कोई उठता ही नहीं है टाइम पे। ओ किरायदार जी, अरे उठेंगे कि नहीं उठेंगे? आपको कोर्ट नहीं जाना क्या? पर इंदु को स्कूल भी छोड़ना है। हा? टाई बेल्ट जूते जुराब चोटी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है इंदु। मुन्ना मामा, ये मेरा स्कूल ड्रेस है। ओए, तू स्कूल भी जाती है? कब से? कान खोल कर सुन लो ये बात। अगर मम्मी को पता चला ना कि मैं स्कूल नहीं जाती, तो देख लो गुल्ली से तुम्हारे आंखें निकाल कर तुम्हारी आंखों से गोटियां खेलूंगी। रियली? जल्दी चल शहर, कितना धीरे चलती है। ये ले तेरा बैग। हाँ। किरायदा जी, पापा ना तुम दोनों को स्कूल छोड़ देंगे, उसके बाद कोर्ट जाएंगे। ओके जाओ बाहर जाओ। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तीसरा विश्व युद्ध हुआ है
और इसमें कौन जीता है साफ दिख रहा है, ये होट का होटल बन गया भाई। ओह गॉड। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। वो कल रात को चोट लग गई थी, बैठते नहीं है ना एक जगह पे, तो शीशे में शक्ल देखकर नहीं आ सकते थे। कैसे लग रहे आपकी? कैसे जाऊंगा कोर्ट? हम दोनों बाहर आपको वेट कर रहे थे और आप लोग यहाँ बातें कर रहे हो, अभी देर नहीं हो रहा है? हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो, गए नहीं अभी तक? सुन इंदु, स्कूल जा रही है, मन लगा कर पढ़ना, और एक भी शिकायत आई ना तो तेरी खैर नहीं है। अच्छा बाबा, समझ लिया, बाय बाय, जाओ जल्दी जाओ। मेरा स्वेटर बुनने का मन कर रहा है, वो सिलाई और वो ऊन दे ना जरा एक बार। हाँ दे रही हूँ। हाँ खाने ही जा रहे हैं। बहुत ऐसी आ रही है ना, दोनों का दांत तोड़ दूंगा। तुम बंद करो अपना मुंह, उसका चलो। अच्छा बाबा नहीं हंसते हैं, बस एक बात बताओ, इतने दिनों के बाद कोर्ट में जाकर क्या करोगे? और तुम क्या करोगे इतने दिन बाद स्कूल जाकर, बोलो। एक जमाना था मुन्ना भाई सब घर में नहीं घुसते थे श्रीमती जी के डर से, और आज एक टाइम आ गया है मैं श्रीमती जी के डर से बाहर निकल रहा हूँ। चलो एक बात तो अच्छी हुई कि कम से कम इंदिरा के आने के बाद दोनों बाप बेटी घर से बाहर तो निकलने लगे। बाहर निकले मतलब? कहीं जाते नहीं थे क्या ये लोग? अरे उनको नहीं नहीं वो इंदिरा तू भी ना, वो तो पढ़ाई की दुनिया की वो है ऐश्वर्या राय। क्या? सुपरस्टार यार। उम्मीद किरण कॉन्सर्ट पे क्या गई, अपने आप को स्टार समझने लगी? इतने महीनों से स्कूल क्यों नहीं आई? अरे पता है इंदिरा, दिमाग की बड़ी तेज है इंदु। हाँ अरे कई बार तो 20 में से 25 नंबर लेकर आती है। ये क्या है, ये क्या है, सब में जीरो मिला है। मैम आप एक चीज गलत बोल रही हो, ये देखो इसमें मुझे 2.5 मार्क्स मिला है। पता है इंदु ना बोलने में इतनी तेज है कि बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देती है। हाँ बाय गॉड। देखियो एक दिन इंदु खूब नाम रोशन करेगी हमारा, और प्रिंसिपल के यहाँ बुलाया जाएगा हमको। गेट आउट, मैं तुम्हें एक्सपेल करती हूँ। अगली बार पेरेंट्स के साथ ही आना, उनसे बात करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुमको इस स्कूल में फिर से दाखिला दिया जाए या नहीं। घर में क्या कम लेक्चर मिलता है जो तुम भी देती हो? निकाल दिया ना, अच्छा किया। मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह उठकर तुम्हारे स्टडी से स्कूल में आने का। बस 1:30 हो जाए, स्कूल ओवर हो जाए, तब मैं खुद निकल जाऊंगी। मम्मी को ये भी तो दिखाना है कि मैं पूरे दिन स्कूल में थी। मैडम अभी इसी बार इस बदतमीज लड़की को स्कूल से आउट करो। वैसे इंदिरा ऋषि भाई साहब ने ना बड़ी अच्छी परवरिश की है इंदु की, बिल्कुल A1 टाइम। अरे ओ सुने ना, अभी अभी तो इंदु के बारे में बात हो रही थी, अब क्या ऋषि के बारे में भी बात करनी है? कोई बात नहीं है इंदिरा, अब तू है ना ऋषि के बारे में भी बात सुन ले। बड़ा नेक और सुशील लड़का है। हाँ इतने साल उसी ने तो हमारा घर चलाया है। एक तरीके से तो उसने चलाया ना, वो ही लेके आता रहा घर चलाने के लिए किसी न किसी को, कभी श्वेता कभी जारा। क्या मतलब? अरे ओ मुन्ना बेवकूफ है क्या तू? देख गर्मी में स्वेटर बुन रहा है, कुछ भी बोलता रहता है। क्या है ना बेटा, इसका कहने का मतलब यह है कि इन सब के होने के बावजूद भी आना ऋषि ही ये घर चलाता था। देख आज भी है ना कोर्ट के बाहर
कड़ी धूप में बेचारा धक्के खाता है, बहुत मेहनती है। चलो शुक्र है, कम से कम मेरे पीछे कोई तो था जो इस घर की बागडोर को संभालता था। अब मैं कुछ दिन चैन से आराम करूंगी, बस लाओ भाभी पराठा लाओ। अरे कोई है? कोई क्या होता है, कौन सी है? घर में कोई है क्या? अरे घर में कोई है भी आया नहीं। अरे दीदी आप आ गई तो हम सब की उधारी कब चुकता होगी? उधारी? किस बात की उधारी? दीदी मेरा दूध का पैसा, मेरा राशन का पैसा, दीदी मेरे केबल का पैसा, मेरा अखबार का पैसा। कौन से पैसे की बात कर रहे हो यार तुम? दिखाना एक मिनट। इतने सारे पन उधारी, बाद में देखती हूँ आपको। आप लोग एक काम कीजिए, शाम को आ जाइए, मेरे पति आ ही रहे होंगे, वो आपका उधार चुका देंगे। कुछ है तो ले लेना फिर शाम को। देख जिस पति की ढोस दिखा रही है उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए उधार चुकाने को। पिछले 6 महीने से कोर्ट की शक्ल नहीं देखी उसने, सिर्फ अपनी श्रीमती जी के पीछे भागता रहा। कमाने की फुर्सत या चिंता किसे थी? हमारा घरेलू मामला है ये, और तुम्हें आसरा दिया, परिवार का हिस्सा नहीं बना, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेहमान की तरह यहाँ रहो, समझी? बबली, दिल के मेहमान, मेरा मतलब घर के मेहमान से ऐसे नहीं बात करते। आप चुप रहिए, आज अचानक से अपना घर परिवार पे हक जताने आ गई, तब कहाँ थी जब इस घर को चलाने वाला कोई नहीं था, जब मेरे ही पैसे से ये घर चलता था और आज भी चला रही है। तुम्हारे परिवार के सारे लोग इसी बाहर वाले के टुकड़ों पे पल रहे हैं, खुद तुम्हारा पति और बेटी भी। तुम्हारे परिवार के एक भी आदमी में इतना गुर्दा नहीं कि 2 वक्त की सूखी रोटी कमा के अपने परिवार को खिला सके। तुम्हारे ऋषि कुमार में भी नहीं, जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आप सब के पैसे मैं देती हूँ, अपनी इस आसरे की पोटली लो, सामान बांधो और निकलो इस घर से। इंदिरा शर्मा आज तक किसी की मोहताज नहीं हुई। चली जाऊंगी, बिल्कुल चली जाऊंगी। पहले 6 महीने मैंने इस घर में रहने वाले लोगों पे जितना भी खर्च किया है वो सूद समेत वापस करो, निकालो पैसे, फिर मैं आराम से चली जाऊंगी। 2 पैसे नहीं है ना, तो चुप रहे और आइंदा ये हाथ पकड़ने की जरूरत मत कर। पैसे चाहिए ना तुम्हें, सूद समेत तुम्हारे पैसे वापस करूंगी,
और जिस दिन पैसे वापस करूंगी ना उसी दिन तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। याद रख, शर्मा निवास को इंदिरा शर्मा ही चलाती थी और अब भी इंदिरा शर्मा ही शर्मा निवास को चलाएगी। क्यों मिस्टर इंदिरा शर्मा? देखती हूँ कितनी क्रूरता बची है तेरे अंदर। मेरी जैसी से पाला नहीं पड़ा है तेरा अब तक। मेरी जारा की सबसे बड़ी दुश्मन तू है और उसका बदला तुझसे लेकर ही रहूंगी। कैसे सोच लिया था तूने कि कुछ दिन आराम करेगी? कमर कस ले इंदिरा शर्मा और कर ले अपने कंधे मजबूत। जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर एक बार फिर से जिंदगी की चक्की में पिसना है तुझे। जिंदगी जंग है, हर खुशी तंग है, आईना है वही, पर क्यों बेरंग है, और कोई नहीं। बैठिए। थैंक यू। मुझे एक्चुअली सरदार जी से मिलना था, वो कैबिन में है क्या? सॉरी, लेकिन आपको किन सरदार जी से मिलना था? यहाँ के मालिक। ओह, आप उन सरदार जी की बात कर रही हैं? लेकिन वो तो 2 साल पहले ये कंपनी मनचंदानी साहब को बेचकर लंदन शिफ्ट हो गए। तेरी दुआओं में धूप छांव में घर की खुशियां पली। आप मुझे बता सकते हैं कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 11 बजे। अच्छा, अभी भी 2.5 घंटा है मुझे घर जाने को। अब मैं क्या करूं? कहाँ जा रहे हो? अंकल, यह खाना फ्री में मिलता है। हाँ बेटा, जितना मर्जी पेट भर के खाओ, पर लाइन जाओ। सशिकाल जी, आज मेरे बेबे का सालाना है, आप प्लीज लंगर खा के जाइए। आइए वहाँ पर लाइन, आइए प्लीज। आप देखिए, थोड़ा और दो ना।